हिंदुस्तान के मगरबी सैल की अहम बंदरगाहों और जजीरा संदीप के साथ एक मुद्दे से अरबों के तजारती ताल्लुक चले आते थे। जमाना जारियत में चंद अरब ताजर सरंदी में आबाद हो गए थे और जब अरब में एक नए दीन का चर्चा होने लगा तो ये दीन उन ताजरों को अपने अबावा अजदाद के मजहब को तर्क करने पर आमादा न कर सका। लेकिन ईरानियों और रूमियों के मुकाबले में अरब की शानदार फतवात की खबरें सुनकर उनकी फौरी असबियत जाग उठी। ईरान अरब के मुकाबले में एक मुतमदन मुल्क समझा जाता था, इसलिए हिंदुस्तान के बाजारों में अरब के मुकाबले में ईरान की मसनूआत की ज़्यादा कदर थी। इसके अलावा हिंदुस्तान के हुक्मरान ईरान को एक ताकत और हमसाया ख्याल करते थे और अरबों के मुकाबले में ईरानी ताजरों को ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अगर शाम से कोई काफिला आ जाता तो रोमा के कदीम सत्तूस से मरूब हिंदुस्तानी उन्हें भी अरबों से ज़्यादा मुराद देते। लेकिन हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानदार फतवात ने अरबों के मुतल्लिक हमसाय ममालिक के बशिंदों का जाविया निगाह तब्दील कर दिया। सरंदीप और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आबाद होने वाले वो ताजर जो अभी तक अरब के अंदरूनी इंकलाब से मुतासर नहीं हुए थे, कुफर के मुकाबले में इस्लाम के फतवात को ईरानियों और रोमियों के मुकाबले में अरब के फतवात समझकर खुशी से फूले न समाते थे। अरबों के नए दीन से उनकी नफरत अब मोहब्बत में तब्दील हो रही थी। उस जमाने में जिन लोगों को अरब जाने का इतफाक हुआ वो इस्लाम की नेमतों से माला माल होकर वापस आए। अब्दुल शम्स अरब ताजरों का सरगरो था। उसका खानदान एक मुद्दे से सरंदीम में आबाद था। वो इसी जजीरे में पैदा हुआ और इस जगह आबाद होने वाले एक अरब खानदान की लड़की से शादी की। जवानी से बुढ़ापे तक उसके बरी सफर भी सरंदीप से खाटे वार तक मदूद हैं। उसे यह भी मालूम ना था कि अरब में उसके खानदान के दूसरे अफराद कौन हैं और किस जगह रहते हैं। दूसरे अरबों की तरह वो भी मादरे वतन के साथ उस वक्त दिलचस्पी लेने लगा जब यरमूक और कासिया में मुसलमानों की शानदार फतवा की खबरें दुनिया के हर गोशे में पहुंच गईं। मौजूदा राजा के बाप को इन्हीं खबरों ने अरब के गुमनाम ताजर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर आमादा किया था। उसने अब्दुल शम्स और उसके साथियों को दरबार में बुलाया और बेशकीमत तहफ देकर रुख्सत किया। 85 हिजरी में अपने बाप की वफात के बाद नए राजा ने तख्त नशीन होते अब्दुल शम्स को बुलाया और कहा, मुद्दर से हमारे मुल्क में तुम्हारे मुल्क का कोई ताजर नहीं आया। मैं अरब के ताज़ा हालात मालूम करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे नई दीन के साथ दिलचस्पी है। अगर तुम वहाँ जाना पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए हर सहूलत मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल शम्स ने जवाब दिया, आपके मुंह से मेरे दिल की दबी हुई आवाज़ निकली है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। 5 अरब ताजरों के सिवा बाकी सब अब्दुल शम्स का साथ देने के लिए तैयार हो गए। 10 दिन बाद बंदरगाह पर एक जहाज खड़ा था और अरब अपने बाल बच्चों से रुख्सत हो रहे थे। अब्दुल शम्स की बीवी फौत हो चुकी थी। उसने सीने पर पत्थर रखकर अपनी इकलौती बेटी को अलविदा कहा। इस लड़की का नाम सलमा था। शहर में कोई शख्स ऐसा ना था जो इस निस्वानी हुसन का बुलंदतरीन मयार तसव्वुर ना करता हो। शाहसवार उसे तुंदो सरकश घोड़ों को दौड़ाते और बेहतरीन तराक उसे खौफनाक अबशारों में कूदते और समंदर में मछली की तरह तैरते देकर दम बखुद रह जाते थे। अब्दुल शम्स की रवानगी के 20 दिन बाद काठियावाड़ के ताजर का एक जहाज बंदरगाह पर रुका और अब्दुल शम्स और उसके दोस्त साथियों ने उतरकर यह खबर सुनाई कि उनका जहाज और दूसरे साथी समंदर की लहरों का शिकार हो चुके हैं। अगर काठियावाड़ के ताजरों का जहाज वक्त पर ना पहुंचता तो वो भी चंद साथ और पानी में हाथ पांव मारने के बाद डूब जाता। राजा ने इस हादसे की खबर नहायत अफसोस के साथ सुनी। सिंधी ताजरों के सरदार का नाम दिलीप सिंह था। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और 3 अरबों की जान बचाने की इवज उसे 3 हाथी इनाम दिए। राजा को मेहरबान देकर दिलीप सिंह और उसके साथियों ने वहां आबाद होने का ख्याल जाहिर किया। राजा ने खुशी से उनकी यह दरख्वास्त मंजूर की और शाही खजाने से उनके लिए मकान तामीर करवाए। चंद साल की वफादाराना खिदमात के बाद दिलीप सिंह राजा के बैरी बेड़े का अफसर आला बन गया। इस वाक्य के 3 साल बाद अबुल हसन पहला मुसलमान था जिसे तजारत का इरादा और तबलीग का शौक इस दूर अफ्तादा जजीरा तक ले आया। कई हफ्तों के सफर के बाद एक सुबह अबुल हसन उसके साथी जहाज पर खड़े सरंदीप के साथ सबज सल की तरफ देख रहे थे। बंदरगाह के करीब मर्द औरतें और बच्चे कश्तियों पर सवार होकर और चंद तैरते हुए लोग जहाज के इस्तकबाल को निकले। एक कश्ती पर अबुल हसन को जजीरे की सैफ फार्म और निम और औरतों के दरमियान एक अजनबी सूरत दिखाई दी। उसका रंग सुरख और सफेद और शक्ल सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी कश्तियों से पहले जहाज के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी कश्ती पर खड़ी 2 तुंदमंद मलाहों को जो कश्ती का चप्पू चला रहे थे डांट डपट कर रही थी।
ये कश्ती तमाम कश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और उसने बेबाक निगाहों का जवाब देने के बजाय मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अबुल हसन के साथियों को भी औरतों का नीम उरिया लिबास पसंद ना आया। हसीन लड़के ने जहाज वालों की बेतनाई को अपनी तोहिन समझते हुए सरनदीपी जबान में कुछ कहा, लेकिन जहाज पर से कोई जवाब ना आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीख पुकार सुनकर नीचे देखा। कश्ती से 8-10 गज के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और कश्ती वाले उसकी चीख पुकार के बावजूद सख्त बेतनाई से उसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कपड़ों समेत समंदर में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी कश्तियां जहाज के गिर्द जमा हो चुकी थीं और जजीरे का बाशिंदे कहकर लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोते लगाने के बाद दिल बर्दाश्त होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ ली और वह जहाज पर चढ़ने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से उसका साथी चिल्लाने लगा, वो उधर है जहाज के दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ लिया है। मकामी मर्द और औरतों ने फिर कहका लगाया। अबुल हसन लड़की के जहाज की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह न समझ सका। तश्वीश और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ उसने जल्दी फिर गोता लगाया और जहाज के नीचे से गुजरता हुआ फिर दूसरी तरफ पहुंचा। वहां कोई न था, ऊपर से उसका वही साथी शोर मचा रहा था, वो डूब गई, उससे मछली निकल गई। अबुल हसन मायूस होकर फिर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दफा लोगों के कैकों में उसके साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक पांव ऊपर रखा था कि किसी ने उसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। उसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेज सीढ़ी पर चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज पर पहुंचा तो उसके साथी परेशान से होकर जजीरे की लड़की के कहके सुन रहे थे। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और अरबी जबान में कहा, मुझे आपके भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुंह से अरबी के अल्फाज सुनकर सबकी निगाहें उस पर जमकर रह गईं। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ सर झुकाकर दोनों हाथों से अपने सर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ मैं अरब हूं। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह देखा करते थे। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को उस लिबास में देखना अबुल हसन और उसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब ना पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा मैं खुद देख लेती हूँ, अबुल हसन ने कहा। ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक जमाना जहलियत के अरबों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इन्हें इंसानों का लिबास पहना और मर्दों से हया करना किसने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जवाब दिया, क्या ये इंसान का लिबास नहीं? नहीं, मालूम होता है कि तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई। ये कहकर अबुल हसन ने एक चादर उठाई और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, अब तुम हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज्यादा उसकी शख्सियत से मरूब होकर अपनी उरिया बाजुओं और पिंडलियों को चादर से छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दिगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम्हें अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है, यही घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन ना तुम इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ये औरतों की सवार के काबिल हैं। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार हैं उसी कदर मुंह जोर भी हैं। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी समझता हूँ। लड़की ने कहा, सरनदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज का इंतजार कर रहा है, जहाज किनारे पर ले चलिए, लीजिए। राजा के अमीर उल बहर खुद ही पहुंच गए। दलीप सिंह अब्दुल शम्स से गैर ताल्लुकात की वजह से अरबी जबान में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। उसने जहाज पर चढ़ते ही अरबी जबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन के बजाय लड़की ने जवाब दिया, इनका ख्याल तक शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले
रड़ से इजाजत हासिल करना जरूरी हो। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो सफ़ेद घोड़ा मेरा है और मैं उसके मुंह मांगे दाम दूंगी। ये कहकर लड़की ने चादर उतारकर एक अरब के कंधों पर फेंक दी और भागकर समंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों के जहाज़ की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। उसने शहर के चंद मोजीन के साथ अबुल हसन और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्हें अपने घर और उनके घोड़ों को अपने स्तबल में जगा दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 खरीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दिलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त ना किया जाए, मुमकिन है वो तमाम घोड़े खरीद लें। अब्दुल शम्स ने दिलीप सिंह की तायद की। अब ये बातें हो ही रही थी कि राजा का एलची आया और उसने कहा, महाराज अरब तारों से मिलना और उनके घोड़े देखना चाहते हैं। दिलीप सिंह ने एलची से कहा, तुम जाओ और महाराज से कहो हम अभी आते हैं। ये कहकर अबुल हसन से मुखातिब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतखब किया है, मेरा ख्याल है कि उसे यही रहना दिया जाए। अबुल हसन ने कहा, अगर शायद खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे उजर नहीं, लेकिन वो लड़कियों के सवार के काबिल नहीं, वो बहुत सरकश हैं। एक तरफ से आवाज़ आई, नहीं अब्बाजी, इनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अबुल हसन ने देखा, वही लड़की है जिसे उसने जहाज पर देखा था। एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबक लिए खड़ी थी, लेकिन इस दफा उसका लिबास अरब औरतों का सा था। अबुल हसन ने कदरे खफीफ सा होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो, अगर तुम उसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेज से कदम उठाती हुई इस्तबल की तरफ बढ़ी, बाकी सब लोग भी उस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफ़ेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे घोड़े रस्ते तोड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोल दिया और बाहर ले आया और उसे एक दरख्त के साथ बांध कर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं।